कल उनके परिवार के वकील ने भी यही कहा कि सीबीआई जांच हो तो रही है, लेकिन ये जांच जो है वो जल्द मतलब शीघ्र होने चाहिए। आप भी मान रहे हैं कि जांच में डिले हो रहा है? हाँ, मुझे भी लगता है कि जांच में थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी के बाद ही मतलब एनसीबी का मुद्दा सामने आया, ट्रक का मुद्दा सामने आया, और ये मतलब इंक्वायरी करते करते मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु की इंक्वायरी स्टॉप हो गई, और वो एनसीबी के जो इंक्वायरी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी शुरू है, ये उसको बुलाते बोला वो इंक्वायरी साइड में चालू रखो, लेकिन दूसरे साइड में सीबीआई की इंक्वायरी चालू रहनी चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या थी कि आत्महत्या थी, इस पर सीबीआई ने कॉन्क्लूशन में आना चाहिए। मुंबई पुलिस ने 2.25 महीना लगाए तो बहुत बड़ी विश्वास है, हमने सीबीआई के पास ये काम दे दिया है, तो सीबीआई ने जल्दी काम करना चाहिए, थोड़ी देर हो रही है, ये बात सही है। बार को एक कुछ दिनों से एक ये एहसास जैसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पर कि शायद सारी बातें ना आ पाए। जो भी ये इनका जो नारकोटिक्स का एंगल है, नारकोटिक्स के एंगल में जिस तरह से मुंबई पुलिस एक फैशन परेड करा रही थी, उसी तरह से लग रहा है जैसे कि बड़े बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया अटेंशन उधर ले जाया जा रहा है। नारकोटिक्स के केस में जो एक ऑफेंस होता है वो बिना कोई कॉन्ट्राबैंड या नारकोटिक्स के जहाँ तक कि कोई उनका वो ना हो, सामग्री ना पकड़ाया जाए तब तक उसमें केस नहीं बनता, और अगर केस बनता भी है तो सिर्फ उनका बनता है जो कि कैजुअल कंज्यूमर है, और कैजुअल कंज्यूमर को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत से हाईकोर्ट ने क्वैश किया है कन्विक्शन एक कंज्यूमर के लिए लेकर के। अगर रिया अगर सिंडिकेट में इन्वॉल्व थी तो उन पे केस एक बहुत सीरियस बनता है, क्योंकि वो एक फाइनेंसिंग और जो 27A की धारा उन पे लगाई गई है उस पे 10 साल की सजा है, उसमें अगर कोई ना भी पकड़ाया जाए तो भी केस एक बहुत सीरियस बनता है। इस सारे मामले में बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमिटी में है, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फोटो थे, और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। सीबीआई इतने बड़े मामले में नॉर्मली प्रेस स्टेटमेंट देती है, आज तक एक भी प्रेस स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से नहीं आया है, जो कि बहुत अजीब है। इतने बड़े मामले में जहां पूरा देश जानना चाह रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है, आज तक सीबीआई की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया, ये खुद एक गंभीर बात है। और आज के दिन में क्या उन्होंने पाया है नहीं पाया है उसके बारे में खुलासा करें, परिवार को भी तो पता चले कि क्या नहीं पाया है, तो अगर हमको कुछ एक्शन लेना है तो हम एक्शन लेंगे, परिवार की तरफ से हम कोर्ट को मूव करेंगे, लेकिन इस तरह से जो मामला लटका हुआ है इसमें ना तो हम कुछ कर पा रहे हैं, ना सीबीआई आगे कुछ मामले को आगे बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़े बड़े फिल्म स्टार को बुला करके एक उनसे वो करने का मेरे को तो कोई समझ में नहीं आता औचित्य कोई, उसमें कोई इनका कोई ड्रग ट्रेड भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन लोगों का सिंडिकेट को फाइनेंस करने का केस नहीं है, इन लोगों का अगर कोई बहुत से बहुत केस होगा तो अच्छा अक्यूज्ड के कहने से किसी का नाम अगर जोड़ा नहीं जा सकता है इतने आसानी से, अक्यूज तो 10 आदमी को बदनाम करना चाहेगी। इस केस में भी अक्यूज ने कहा है कि सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स खरीदती थी, अब सुशांत सिंह के मर्जी से खरीदती थी, सुशांत सिंह को मर्जी से देती थी, या सुशांत सिंह के पानी में या उनके चाय में या कॉफी में चुपके से मिला के देती थी, ये सुशांत तो रहे नहीं जो बता पाएंगे। सालियान की मौत की सीबीआई जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, मतलब हमको ये लगता है कि दिशा सालियान ने 8 जून को अपने घर में पार्टी रखी थी, और पार्टी में कितने लोग थे मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोग 15-20-25 लोग हो गए, लेकिन उसी दिन हमें ऐसी जानकारी मिली है कि उनके मास्टर बेडरूम में उनके ऊपर कोई अत्याचार करने की कोशिश हुई होगी, अत्याचार किया होगा, और ये दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, इसीलिए मतलब उनका जो उनको ऊपर से 14वें माले से नीचे फेंक दिया था, और उनके पास कोई सुसाइड नोट नहीं है,
और दिशा सालियन जो है ये सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। जब सुशांत को मालूम हुआ तो उनको बहुत बड़ा धक्का लग गया था, तो उनको मुझे लगता है कि उनकी हत्या ही हुई है, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। अगर उनकी बॉडी नीचे आई थी तो उसके ऊपर से कपड़े भी नहीं थे और उनके पास सुसाइड नोट भी नहीं है, उनकी पार्टी थी तो वो कैसा सुसाइड कर सकती है। ये सब मुद्दों पर पुलिस ने इंक्वायरी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया और उनका आत्महत्या करके उस केस को उधर स्टॉप कर दिया। इसीलिए उनकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए।